नॉट विल। और इस लॉकडाउन के दौरान ये कहा जा रहा है कि दैनिक जरूरत की जो चीजें हैं उनकी कमी नहीं होने दी जाएगी, उसकी आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। लेकिन ये किस तरीके से चालू है आपको पता है? ये भारतीय रेल की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। यात्री गाड़ियां जितनी हैं, रेलगाड़ियां हैं, उनको तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो माल गाड़ियां हैं वो लगातार चल रही हैं। वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि सामान की इधर से उधर सामान ले जाने के लिए उन माल गाड़ियों का बहुत अहम योगदान है। रेलवे लगातार इस संकट की घड़ी में भी हमारे साथ है, वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन रेलवे इस वक्त हमसे मदद मांग रहा है। भोपाल रेल मंडल की तरफ से ये कहा गया है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं या जो अंदर स्टाफ में इस वक्त भी काम कर रहे हैं, उनको सैनिटाइजर्स, थ्री लेयर मास्क और ऐसी तमाम क्लीनर्स की अगर बात की जाए तो उसकी आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट में इसकी कमी हो गई है। और लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो मदद करना चाहें तो अब आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, दो मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारतीय रेल को इस बात के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे ये मांग रहे हैं कि सैनिटाइजर्स अगर आप उनको उपलब्ध करा दें, थ्री लेयर मास्क जो है वो अगर उनको आप उपलब्ध करा दें, अच्छे क्लीनर्स जो है वो अगर आप उनको उपलब्ध करा देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। और सोचिए, ये भारतीय रेल के ये वही कर्मचारी हैं जिनकी वजह से आज हम उपयोग की जो जरूरत के सामान है वो अपने घर में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो रेलवे आपको अपील कर रहा है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं और भारतीय रेल की इस संकट के दौरान मदद कर सकते हैं। उस भारतीय रेल की जो जीवन भर हमारी मदद करता आया है और संकट के दौरान भी हमारी मदद कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के लिए।